फॉइल का आइटम लेकर आई हूँ, वो है लुकिंग मिरर। स्मॉल साइज़ का हम बनाएंगे, आप उसको आराम से क्लच में, पाउच में, पर्स में आराम से आप रख सकती हैं, यूज़ कर सकती है, बहुत इजी भी है, 20 मिनट में ये आराम से बन जाता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एलुमिनियम फॉइल शीट है, ये आपको और आराम से इजी मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने इसी साइज़ का हार्डबोर्ड लेना है, या फिर आप ले लें मोटा गत्ता होता है वो ले लें, जो भी आपको सख्त चीज़ मतलब चाहिए इसकी बेस के लिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्क्वायर शेप में ले लें या राउंड में। अच्छा, इसकी मैंने कटिंग कर ली पहले से, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये फॉयल शीट है, इसकी पहले हम मेजरमेंट लेंगे। शीट पे रख के हमने इसी साइज़ का हमने रखना है, और हाफ हाफ शीट छोड़ना है हमने एक्स्ट्रा। अच्छा, टूल की मदद से मैंने क्या करा है, इसकी आउटलाइन लिए मेजरमेंट की, इस तरह बन गया इसका। अब लुकिंग मिरर पीछे लगाना है, तो छोटा साइज़ का मैंने मिरर ले लिया, इसका सेंटर बनाना है, और बॉर्डर लाइन आपको इतनी ही छोड़नी है, तकरीबन जो आपको चाहिए, इंच के हिसाब से आप कर लीजिए अपने। सर्कल मैंने ले लिया, ये बन गया सेंटर हमारा। अब काम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो स्टोन्स वगैरह लगाने, स्टोन के लिहाज से आपने ये ले लें, ये स्टोन है, इसके अलावा ये है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन स्टोन आपने पहले रखना है। अच्छा, काम शुरू करते हैं। ये मैंने, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे पहले मैंने स्टोन का काम करना है, तो स्टोन की मेजरमेंट लेनी है। इसका मैंने सर्कल लिया, स्टोन की बेस बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टोन लगाएंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको आपने राउंड किया, हल्का सा एम्बोस किया इसको, आप टूल से भी कर सकते हैं। ये आ गया। अच्छा, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हमने उल्टा इसको करा बैक साइड से, इसकी आउटलाइन लिए सर्कल की, जहाँ पर हमने ये सेट करना था इस तरह, ठीक है। अब क्या है, ये इसको फ्रंट से फिर हमने इसकी आउटलाइन ली, उसके बाद अब हमने कोई भी डिज़ाइन बना लेना है। ये मैंने उल्टा कर रखा है, ठीक है, ये यानी बैक साइड है इसकी, फ्रंट साइड नहीं, फ्रंट साइड से मैंने डिज़ाइन बनाना है। हल्का सा मैंने इसको प्रेस किया, फिर एम्बोस किया इसको, बहुत ज़्यादा पावर से नहीं कर रही हूँ, हल्का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि ये शीट फट भी सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइट हाथ इस तरह। फिर इसको फ्रंट से किया आउटलाइन, ये सीधा साइड है हमारा जो मैंने लीफ बनाए थे, इसको हल्का सा प्रेस किया, यहाँ मैंने इम्प्रेशंस दे दिए इसके अंदर, ये बन गया। इसके अलावा फिर एक और मैंने सर्कल बनाया स्टोन का, फिर इसको वैसे ही बिल्कुल करना है, राउंड पे हल्का सा प्रेस करके बिल्कुल गोलाई में करना है, ताकि ये ज़्यादा स्टोन बड़ा ना हो उसका है, और ना छोटा हो, आराम से इसके अंदर आ जाए स्टोन। इसको फिर उल्टा करा और बैक साइड से हमने इसकी लाइन आउटलाइन बनाई, फिर वही हमने लीफ बनाया। अच्छा, इसके बाद जो सिंपल जो सादी होती है शीट, इस पर हमने एम्बोजिंग करना होता है, और जो फ्रंट होती है बैक साइड से एम्बोजिंग होगा, और जो फ्रंट होती है फ्रंट पे आपने इम्प्रेशंस करना है। ये देखिए रेडी। अच्छा, ये चीज़ हमारी सादी नज़र आ रही है, आपने क्या करना है, इसमें इम्प्रेशंस कोई भी कर लें, लाइनिंग वाला कर लें, या डॉट वर्क का कर लें, या फिर आप सिंपल कोई भी डिज़ाइन बना लें, क्योंकि हमने इसको सादी शीट नहीं रखनी है, इसमें इंक होगी, और जब इंक होती है तो कम से कम आपने इतना रखना है इसको कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, और ज़्यादा आपने लाइनिंग नहीं करनी है। ये देखिए, ये मैंने इम्प्रेशन डाल दिए, कंप्लीट कर लिया है पूरी शीट पर।
अच्छा जी, अब हम इसको पेस्टिंग करेंगे, इसकी पेस्टिंग से करेंगे। ये हार्डबोर्ड शीट है, इसमें हमने सेमेटेक्स लगाना है। सेमेटेक्स की कॉन लेनी है या फिर आप वो ले लें, प्रिंट पैक आता है वो ले लें, ठीक है। हमने क्या करना है, इस पर लगाना है ऐसे करके। अच्छा, ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि ये सेमेटेक्स जल्दी सूख भी जाती है और फिर पेस्टिंग सही नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसकी नोज़ल काट दी है, आप लोग समझे पता नहीं कौन सी कौन है, इसकी नोज़ल काट दी ताकि ये जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। अच्छा, उंगली से आपने इसको, फिंगर की मदद से आपने इसको चारों साइड पे ऐसे फैला देना है। फिर उसके बाद आपने शीट लेनी है जहाँ पर हमने, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये बैक, अच्छा जो बैक साइड है वो आपने सेमेटेक्स लगानी है ऐसे करके, इसके भी चारों साइड पे लगाना है और सेंटर में भी लगानी है इसमें। ये इसको भी आपने फिंगर से फैलाना है। अच्छा, फिंगर से जो होती है बहुत इजी फैल जाता है और अच्छी इसकी पेस्टिंग होती है। अगर आपको कुछ मसला है और एलर्जी वगैरह भी हो जाती है तो आप ये टूथब्रश मिलता है, टूथब्रश से भी कर सकते हैं ये काम। वैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो मैं फिंगर से नहीं करती हूँ, टूथब्रश से ही करती हूँ मैं। अच्छा जी, ये हमारा काम तो हो गया, अब इसको ऐसे रखेंगे, शीट को शीट पर ऐसे रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे यूं करके। ये राउंड है तो हमने इसमें बहुत सारे कर्व्स लगाने हैं। अगर स्क्वायर होगा स्क्वायर में सिर्फ चार लगेंगे और राउंड में इसलिए लगते हैं इतने सारे कर्व्स कि उसकी पेस्टिंग सही नहीं होती है, फिनिशिंग भी आनी चाहिए। अच्छा जी, ये कर्व्स लगा दिए, अब ये हम इस तरह इसको चारों साइड पे प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा पावर नहीं करना है वरना एम्बोजिंग जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर हमने ये वर्क करा है सेंटर में आ गया। अच्छा जी, अब इस तरह हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने ये शीट करा है तो उसको सेमेटेक्स को लेके इसके गत्ते के साइड पे, साइडों पे लगाना है इसके, क्योंकि पेस्टिंग बहुत आसानी से हो। ऐसे इसको टर्न करना है ऐसे करके, ये देखिए चारों साइड पे कितनी आसानी से ये चिपक भी रही है और राउंड शेप भी आ गई इसका। अच्छा, इसको ख्याल से पेस्ट करना होता है क्योंकि हाथ में लग भी जाती है, ये थोड़ी हार्ड होती है ना शीट। अच्छा, जहाँ पे हमने ये पेस्ट किया है इसको थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस करेंगे ऐसे करके दबाना है इसको। ऐसे दबाना है इसको। ताकि इसके जितने भी स्क्वायर या फिर सर्कल हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखिए हमारी ये शेप आ गई, ये देखिए हमारी पेस्टिंग हो गई। अब हम इंक करेंगे, इसको थोड़ा
थोड़ा एंटिक लुक लाने के लिए ब्लैक इंक चाहिए हमें। अच्छा जी, इसको ऐसे करना है आपने, ये पूरा ब्लैक कर देना है। अच्छा, इसके कॉर्नर्स भी करना है ब्लैक इंक से, बहुत अच्छा आता है इसका इफेक्ट पड़ता है, और ये इसकी जो लुक होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एंटिक लुक लगता है ये। अगर आप चाहें तो इसमें लाल कोई सी भी इंक कर सकते हैं, ग्रीन कर लें, रेड कर लें, ब्लू है, कोई सी भी कर लें, लेकिन असल में जो कलर अच्छा लगता है वो ब्लैक का आता है। अच्छा अच्छा अब इसको ना ड्राई करना है, ड्राई करने के लिए टाइम इतना ही चाहिए, कम से कम 10 मिनट। ये 10 मिनट में ड्राई हो जाएगी, फिर इसके बाद हमने इसको साफ करना है। ये देखिए, ये हमारी ब्लैक हो गई। ये देखिए, ये पेस्टिंग हो गई है चारों साइड से और बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब इसमें एंटी ग्लो लाने के लिए हमने इसमें ब्लैक इंक करनी है, ब्लैक इंक ये अच्छा, इसको पूरे चारों साइड पे फुल करनी है। वैसे तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं इस पे, लेकिन अच्छा लुक जो है वो ब्लैक इंक का ही आता है, एंटिक लुक लगता है इस वजह से। अच्छा, तकरीबन आपने ये 1 से 2, 2 से 3 दफ़ा इसकी कोट करना है ताकि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब होके अच्छी तरह से और ड्राई हो जाए। इसके बाद ड्राई होने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे, फिर इस पर लेकर होगा, ताकि लेकर करने से ये होता है कि सेफ भी हो जाएगी इसकी इंक और साफ़ भी नहीं होगी। अगर आप वॉश भी करेंगे तब भी साफ़ नहीं होगी, और अगर आप लेकर स्प्रे नहीं करेंगे तो इंक साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह इंक हो गई इसकी। हमने ये सारे इसके चारों कॉर्नर्स करे हैं राउंड शेप के और सब कर लिए। ये देखिए, मैंने इसमें से सारी इंक साफ़ कर दी। अब मैं ना सेमेटेक्स से ही लगाऊंगी लुकिंग मिरर। सेमेटेक्स लगाया इसमें, अच्छा इंक साफ करने के बाद आपने इस पे लेकर करना है, और मैंने लेकर कर दिया है। अच्छा, इसके चारों साइड आपके कवर्स करने हैं, तो आपने क्या करना है, इसको बेल को ऐसे करके सेमेटेक्स से इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, जो मैं अब करने लगी हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने साइड पे इसकी बेल लगा दी है ताकि ये बिल्कुल फिनिश हो जाए, इसके कॉर्नर्स मिरर के नज़र नहीं आए। अच्छा, ये बैक साइड पे देखिए मैंने क्या करा है, वेगल काट कर वेलवेट पर वेलवेट राउंड शेप कटिंग करी है, उसके बाद हार्ड बोर्ड पर मैंने लगाई सेमेटेक्स। सेमेटेक्स लगाने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये तो बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब हमारे स्टोन्स लगेंगे। ये स्टोन्स के लिए क्या चाहिए, सेमेटेक्स लगाना है आपने इसको, इसकी जो साइड हमने बनाई थी ये देखें, इसके अपने सर्कल में सेमेटेक्स लगा देना है। अच्छा, आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लेकर आऊँगी, और इंशाल्लाह फर्नीचर पे भी ये वर्क आपको सिखाऊँगी, और फर्नीचर में बनाती हूँ इसके, और काफ़ी सारे बनाए हैं, और आप लोग घर में भी इंशाल्लाह खुद ही फर्नीचर बनाएंगे। इस तरह ये स्टोन्स हम ये पेस्ट करेंगे। आप कमेंट्स भी करिए, आप जिसको जो भी सीखना हो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी और इजी चीज़ें बताऊंगी, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो फेंक देते हैं उससे भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिए, हमारा ये तैयार हो गया, और
इसको आप पाउच में भी रख सकते हैं, इजी ये पाउच है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये कलर्स बनाना सिखाऊंगी, ये कैसे बनाए। ये देखिए इसको आराम से आप ये पर्स में रख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है मिरर क्लच में रखने का, और ये कलच देख रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी क्लच पे होगी और मैं आपको इजी सिखाऊंगी और आप लोग घर बैठकर अपने क्लच खुद बनाएंगे और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरी प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा कमेंट्स भी आएँ तो मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँगी। थैंक्स।